ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर खल खल और कुंजन की छाई। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव मैं उस वृंदावन को कैसे भूल सकता हूँ, मैं उस जमुना जी के कलकल को कैसे भूल सकता हूँ, मैं उन वृक्षों की सुंदर छांव को और मेरे मित्रों को कैसे भूल सकता हूँ। उद्धव तुम एक बार वृंदावन जाओ और उन सबको कहना कि आप मेरे को याद मत किया करो। उद्धव कहने लगा, मैं जाऊं, याद आपको आती है, मैं वृंदावन जाऊं, मैं इतना पढ़ा लिखा जहत अजहत रचना का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में और अलंकृत शैली में बोलूंगा, क्या समझे कि वो गंवार ब्रजवासी मेरी भाषा। भगवान कृष्ण बोले, एक बार तुम जाओ तो सही। भगवान कृष्ण का कहना मान करके उद्धव वृंदावन आए, जहां पर मूर्त रूप से बैठी हुई मां जसोदा को प्रणाम किया। मैया जसोदा प्रणाम करता हूं मैं, उद्धव मथुरा से आया भगवान कृष्ण का मित्र। मां जसोदा बोली, थोड़ा धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगा, अभी तो सो रहा है। उद्धव बहुत बहुत चंचल है लाला। उद्धव बोले, मैं तो उसको मथुरा छोड़ के आया। बोले, नहीं नहीं, मेरा कन्हैया मेरे को छोड़कर कैसे जा सकता है। माँ जसोदा की समाधि टूटी तो याद आया कि अरे मेरा कन्हैया तो ब्रज छोड़कर चला गया, पर उद्धव एक क्षण भी मुझे ऐसा नहीं लगता मेरा लाला मुझे छोड़कर चला गया। बार बार मैं उसकी छवि याद करती हूँ, कैसा मेरा कन्हैया, कन्हैये की छवि को मैं बार बार याद करती हूँ। माँ जसोदा उद्धव को समझा रही है। रसखान ने अपने पद में गाया, धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी। बाछवि को रस खान दिलो खत बारी दी काम कलानिधि कोटी, खाग के भाग को का कहिए हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी, खाग के भाग को का कहिए हरी हाथ सुन ले गयो माखन रोटी।